पाइथन के ऊपर पहले भी हम लोग इन दो फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। पहला फंक्शन है अपेंड यानी पुश और दूसरा है पॉप, दोनों ही के बारे में हम बात करते हैं फिर से। जैसे पॉप जो है ये क्या काम करता है, ये दोनों ही लिस्ट के फंक्शन है, पॉप बोले या अपेंड बोले, ये दोनों ही लिस्ट के फंक्शन। और लिस्ट कैसे बनाया जाता है ये आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैं शब्द लिख देता हूँ, जैसे आई लिखा हमने यहाँ पे एम स्टूडेंट ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। और कॉमा दे देके लिखना है आपको, डबलटेड कॉमा लगाया, आप चाहे तो सिंगलटेड कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आई एम अ, तो यहाँ पे अ लिखने के लिए यानी ये लिखने के लिए इस तरीके से, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट कर देंगे तो डबलटेड कॉमा में स्टूडेंट भी लिख देते हैं, तो ये हो गया आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। अब ये होने के बाद हम इस लिस्ट को क्लोज करते हैं, ठीक है। लास्ट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट आया हुआ है, और इसके बाद हम एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे सीधा प्रिंट करवा दिए, तो यहाँ पर नेम को अगर प्रिंट करवाएं तो आई एम स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसको यहाँ से चलाएंगे सेव करके, तो यहाँ से F5 करते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं इसको, तो मैं इसे लिस्ट के ही नाम से सेव करता हूँ, LIST लिस्ट, ठीक है। और एंटर करते हैं, तो एंटर करते ही देखिए यही चीज सेम प्रिंट हो रही है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि पहले नंबर पे क्या है, तो पहले नंबर पे देखिए ये यहाँ पर आते हैं, अगर हम यहाँ पे जीरो लिख देते हैं तो जीरो इंडेक्सिंग पे क्या है आई है, ठीक है। वन पे क्या है एम है, तो एक बार चेक करते हैं जीरो नेम जीरो पे क्या है। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पे नेम जीरो करते ही आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आई दिखाई पड़ रहा है, आई दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे आई आ रहा है। इसी तरीके से वन करेंगे तो क्या आएगा एम आएगा, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं वन पे एम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ वन करते हैं, F5 करते हैं, एंटर करते हैं। ये इंडेक्सिंग है, क्या है इंडेक्सिंग, देखिए यहाँ पर एम ही आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हटाना है, ठीक है, इसको हटाना है, और यहाँ पर इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नेम दे देते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं, जैसे पहले तो हम txt नाम से बना लेते हैं, txt is equal to लगाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं नेम डॉट, और यहाँ पे पहले POP फंक्शन का यूज करते हैं, पॉप का यूज करते हैं, तो ये POP कर दिया हमने। और यहाँ पे अब हम txt को जो है को हम प्रिंट करवा लेते हैं, तो txt ये प्रिंट करवा रहे हैं हम, F5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉप करवाने के बाद क्या बचा हुआ है हमारे पास। पॉप करवाने के बाद देखिए पॉप करवाया हमने तो क्या पॉप हुआ है, तो स्टूडेंट पॉप हुआ है। यहाँ देखिए ये क्या एक ही रिजल्ट आ रहा है, मिल रहा है, क्या मिल रहा है स्टूडेंट मिल रहा है, यानी कि अगर हम दोबारा इसका इस्तेमाल करें तो अगली बार हमें क्या मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपेंड की, तो यहाँ txt लिखते हैं डॉट नेम, और या फिर यहाँ पे सीधा कर देते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखते हैं नेम name नेम डॉट append अपेंड, ठीक है, append लिखेंगे, अपेंड की स्पेलिंग यही होती है। और यहाँ पे डबल कॉमा में लिख देते हैं, सपोज कीजिए सचिन SACHIN, तो ये हो गया डबल कॉमा क्लोज किया, इसको बंद किया। अब यहाँ पे इसको चलाने की बारी है, तो यहाँ पे नेम को प्रिंट करवाएंगे, किसको नेम को, ठीक है। तो यहाँ पे NAME नेम हो गया, और यहाँ से इसको चला देते हैं F5 करके, एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सचिन जो है लास्ट में अपेंड हो रहा है, लास्ट में आ रहा है इन सबके साथ, ठीक है, समझ में आ रही होगी आई होप की ये बात, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, देखिए फिर से वही पॉप का यूज करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे नेम डॉट पॉप केवल ऐसे लिख देता हूँ नेम डॉट पॉप, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया और नेम को प्रिंट करवा दिया, तो अगर पॉप करवाएंगे तो क्या इसमें जो है हटेगा वो चीज यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर नेम को प्रिंट करवाते हैं, देखिए नेम को प्रिंट करवाया है, तो नेम को प्रिंट करवाएंगे तो क्या हट जाएगा और क्या बच जाएगा इसमें, तो देखिए यहाँ पर जो है स्टूडेंट हट गया है, देखा आपने स्टूडेंट हट गया है। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर इन सबको स्टोर करा लिया था txt के अंदर, ठीक है, और txt के अंदर स्टोर करा के हमने txt को ही प्रिंट करवा दिया था, ठीक है। तो txt के अंदर सारी वैल्यूज, वो कौन सी वैल्यूज जाएगी txt के अंदर, अगर ऐसा करते हैं तो txt के अंदर हमारी एक ही वैल्यू जाएगी लास्ट वाली, जो हटेगा वही जाएगा txt के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर txt करते हैं तो यहाँ पे केवल स्टूडेंट आएगा, तो F5 करते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं, तो देखिए केवल स्टूडेंट आएगा, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है, यानी यही पॉप होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज ध्यान दीजिएगा, यही चीज जो है ऐसे कर दी जाए, यहाँ पे सिर्फ मैं नेम और डॉट पीओपी लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ एनएमई नेम लिख देता हूँ, एन ए एम ई,
और यहाँ पे F5 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यहाँ पे आई एम आएगा, स्टूडेंट हट जाएगा। तो आपने देखा पॉप का यूज कैसे करना और अपेंड का यूज कैसे करना, ठीक है।